सॉरी। तुम्हें मेरे वजह से डांट सुनना पड़ी। अच्छा एक बात सुनो ना। अब क्या है? प्लीज मुझे बाहर लेके चलो ना, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज। अरे तुम पागल पागल हो क्या यार? तुम कोई गार्डन में घूमने आई हो? यहाँ पे तुम्हारा किडनैप हुआ है। पर तुम तो मेरे दोस्त भी हो ना, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, प्लीज ना। ठीक है, एक बात पूछूं? तुम तो इतने सीधे हो, फिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? मुझसे क्या दुश्मनी है? बोलो। मजबूरी थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपने क्यूट लव स्टोरी पार्ट 4 में देखा था कि कैसे पंकज ने दिव्या का 35 लाख रुपए से सौदा किया था। मगर दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे दिव्या ने पंकज को सॉरी बोलकर पंकज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दिव्या ने फिर से अपने नखरे दिखाने चालू करे है। दोस्तों दिव्या ने पंकज से दोस्ती के हक से एक सवाल पूछा था कि तुम तो बहुत भले इंसान हो, फिर भी तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मगर दोस्तों पंकज ने मजबूरी का नाम देकर दिव्या के सवाल को दबा दिया है। क्या वाकई दोस्तों तो पंकज की कोई मजबूरी थी या पंकज दिव्या से झूठ बोल रहा था? दोस्तों आप पंकज से उठे इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और क्यूट लव स्टोरी पार्ट 6 को देखना ना भूले। धन्यवाद।